नोएडा में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट साल 2024 की पहली तिमाही तक पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। ऐसे में अलग 15 महीनों के अंदर यूपी के लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जल्द ही 12 नए एयरपोर्ट भी मिलेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश होगा जहाँ एयरपोर्ट की संख्या 21 हो जाएगी। अभी यूपी में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण 2024 की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बॉमाकॉन एक्सपो की तरफ से लखनऊ में आयोजित रोड शो में कही। उन्होंने बताया कि विदेशों में हुए रोड शो के दौरान कई कंपनियों के साथ निवेश के लिए MOU साइन हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के लिए निवेश का डेस्टिनेशन बन रहा है। उम्मीद है कि इससे बड़े स्तर पर यूपी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के समय केवल यूपी में माफियाओं का राज था, अब प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।